और चलते हैं भाई दुनिया के सबसे हॉटेस्ट प्लेस में। 5,000 बकरी पकड़ के मांग रहे हैं कि तुमने बकरी मारी और हमें जाने नहीं दे रहे भाई। वो ज्यादा ही रूरल एरिया है ये भाई, इनके टॉयलेट है। पुलिस का वेट कर रहे हैं हम लोग, फिलहाल भी पुलिस जैसे ही आएगी फिर लोग यहाँ से निकलेंगे। वहाँ पे गाड़ी फंस गई भाई सैंड ड्यून्स में भाई, खटिया भी ना और टूटी फूटी पूरी बहुत हिल रहा है भाई एकदम। ये देखो भाई मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस आने पर आपका स्वागत करता हूँ भाई। फिलहाल भाई इस वक्त मैं हूँ असमारा में और अभी सुबह सुबह उठ गया हूँ भाई 7 बजे, और 7 बजे उठ के सबसे पहले यहाँ पे आया भाई ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे एक लोकल ढाबा मान लो जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट करते हो, मैंने भाई ब्रेकफास्ट में किया ब्रेड ऑमलेट एंड राजमा। भाई जो राजमा का जो तीखानेस है ना एकदम बिल्कुल सेम है भाई इंडिया की तरह। तो कुछ बच्चे हैं यहाँ पे मेरे साथ, तो हम लोग तैयार हैं एक नए सफ़र के लिए। भाई थोड़ा मैं बैठ के ट्राई कर रहा था थंबनेल डालने का, बट भाई इंटरनेट बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, इंटरनेट थंबनेल नहीं आ पा रहा। कोई नहीं, चलते हैं स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं भाई दुनिया के सबसे हॉटेस्ट प्लेस में। तो फिलहाल भाई हम लोग आ रखे हैं एयरपोर्ट पे नाश्ता करने के बाद। एयरपोर्ट क्यों आए हैं, क्योंकि भाई जो सारे लोग आ रहे हैं वो सुबह की फ़्लाइट से आ रहे हैं। 7:30 बजे की चलती है भाई फ़्लाइट अदी से, और समेरा पहुँचती है तकरीबन 8:30 बजे। तो ये है भाई एयरपोर्ट, ये कुछ ऐसा दिखता है, छोटा सा एयरपोर्ट है भाई टर्मिनल, यार बहुत छोटा सा एयरपोर्ट था। मुझे लगी टॉयलेट से मैं जब अंदर जाता हूँ तो भाई वहाँ पे एक्चुअली टॉयलेट पेपर तक नहीं था, और भाई वो जो होता है साफ करने के लिए वो भी नहीं था। तो आपको फिर मग्गा एक बाहर में मुझे देखा मग्गा, तो फिर आपको मग्गा में पानी लेके जाके टॉयलेट बैठना पड़ेगा। ये कुछ सीन था भाई इस एयरपोर्ट के टॉयलेट का। चलो भाई अब लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं क्योंकि फ़्लाइट आई है, सारे लोग फ्लाइट में आ रहे हैं जो भी हमारे ग्रुप के लोग हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ग्रुप में तकरीबन 21 लोग हैं लेकिन दो ग्रुप रहेगा, तो मतलब 10 और 11 का ग्रुप रहेगा। अलग अलग देश से लोग आएंगे हमारे ग्रुप में। चलो हम अपने ग्रुप को देखते हैं और निकलते हैं डायरेक्ट के डिप्रेशन को देखने के लिए। तो भाई हम लोगों ने जर्नी की शुरुआत कर दी है, लेकिन क्या हो गया पता रास्ते जरा बताओगे? यहाँ के लोगों को है ना भाई फिरौती चाहिए, लोगों को पैसे मांगने। वैसे अगर आपको बताएं ना दुनिया में सबसे ज्यादा अनहोस्टेबल जो रीजन है वो यही पे है। राइट राइट, तो किसी बंदे ने क्या बोला, ये हमारे यहाँ भी होता है गाँव में, बकरी मार दिया पैसे। तो हाँ तो क्या हो गया है कि ऐसे ये टूर कंपनी वाले को भाई इनको पता लगा कि ये डेली आते हैं और भाई फिरंगियों को लेके आते हैं, भाई इनके पास पैसा होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, इस टूर कंपनी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि 2 महीने पहले तुमने इस गाड़ी ने किसी की बकरी मार दी थी और अब उस बकरी के पैसे मांग रहे हैं। 8,000 मांग रहे हैं, 7-8 हज़ार, 7-8 हज़ार रुपये जो अपने इंडियन करेंसी में मान लो 5 से 6 हज़ार, 5 से 6 हज़ार रुपये। राइट, 5 हज़ार भाई बकरी के मांग रहे हैं कि तुमने बकरी मारी और हमें जाने नहीं दे रहे भाई। तो भाई बकरी वाला मसला सॉल्व करने के बाद हम लोग फिलहाल ने लिया है लंच ब्रेक। और भाई टॉयलेट वगैरह अगर यहाँ के देखोगे तो आप मतलब क्या ही बताऊँ यार, कुछ ज़्यादा ही रूरल एरिया है ये भाई इनके टॉयलेट है, और मतलब मैं दिखाना भी नहीं चाहता हूँ आपको, ये टॉयलेट है भाई, मतलब देख लो ऊपर छत गायब है। बट गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, जिससे जितना हम लोग उस तरफ जाते जा रहे हैं उतनी गर्मी बढ़ते जा रही है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ते जा रही है। ये भाई छोटा सा रेस्टोरेंट था, मतलब ढाबा टाइप का मान लो, खाने में कुछ ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, चावल दिया उन्होंने और एक कुछ सॉस टाइप का था वही खाया मैं, चावल एंड सॉस, दैट्स इट। मुझे ऐसा हिसाब किताब है। अपने टॉयलेट यूज़ किया गया भाई रशिया में, इसे गंदा था, इसकी तो बुराई मत ही करना तुम। नहीं तेरे को याद नहीं है ओमियाकोन में, जब ओमियाकोन में तुमने यहाँ यूज किया है क्या? यहाँ नहीं, बाहर वाला, बाहर वाला ना भाई, वो एक वैसा ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दिख रहा है सबको जिसने पहले कर रखा है लोगों ने। हाँ तो रशिया में बस वो जमा हुआ था, यहाँ पे जमा हुआ नहीं है। ये भाई अभी हमने ये वाली बियर पी ली, बाबेशा, बाबेशा बियर, ठीक ठाक है ये, कड़वी लगी यार मुझे थोड़ी। तुम कोको कोला मिला दी उसमें? मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले इस बियर के अंदर, वो इसराइली भाई नहीं ओमर भाई, उन्होंने कोक खरीदी थी, मैंने इस बियर के अंदर मिला के पी भाई, क्या प्यारा टेस्ट आ रहा था, मीठी मीठी भाई कड़वी है ये भाई। ये इनका किचन है भाई, ज़्यादा दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ये इनका किचन है, यहाँ पे इन्होंने खाना पीना बनाया था भाई, इससे दिखता है किचन। यार खाना ही बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा था, बेचारे लोग को बहुत मेहनत करना पड़ रहा था यार। यहाँ पे मैंने मतलब भाई लोग ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि यार तकरीबन 20 लोग हैं, कुछ कुछ लोग बड़ी जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे भाई, फास्ट फास्ट खाना खींचे जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है अब खाने दो उनको, क्या कर सकते हैं, भूखे हैं बेचारे। तो भाई गर्मी से हालत ख़राब तो है, लेकिन गर्मी से बचने के लिए भाई एक ही जुगाड़ है, वो है चाय। तो भाई साहब चाय पियो, गर्म चाय, और गर्मी से बचो, चाय काफ़ी टेस्टी है भाई। जनरली यहाँ पे लोग कॉफ़ी पीते हैं, बट मैं चाय पी रहा हूँ, छोटा सा भाई कॉफ़ी का प्लेस है यहाँ पे, कॉफ़ी यहाँ पे बेच रहे हैं लोग, और मैं कॉफ़ी और पानी भाई, एक्चुअली पानी जो दिया उन्होंने इतना ठंडा है भाई कि अभी तक 10 के अंदर बर्फ जमा हुआ है, पी ही नहीं पाओगे आप। थोड़ा उसको मैं ठंडा होने देता हूँ, सब पीऊँगा
और भाई यहाँ पे बेचते हैं खत। खत इज़ लाइक जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि यहाँ पे एक लोकल काइंड ऑफ ड्रग है। आई एम नॉट नो ड्रग बोलना था शायद थोड़ा गलत होगा, लेकिन मैं बोलूँगा लोकल लाइक टबैको है यहाँ पे, जिससे भाई हमारे बिहार में खैनी बहुत फेमस है ना। यहाँ पे कुछ खैनी टाइप का या फिर गुटखा टाइप का मान के चलो। लोग कहते हैं कि आप इसे खाने के बाद हाई हो जाते हो, बट मुझे आज तक फील तो नहीं हुआ। कल मैं दिन भर ट्राई कर रहा था फिर कल किसी ने बताया मुझे कि तुम सही ढंग से नहीं खा रहे, तुम इसको 20 मिनट चबाओ तो कुछ होगा। भाई 20 मिनट चबा नहीं पा रहा हूँ, 2 मिनट चबाता हूँ फेंक देता हूँ तो फिर खा अंदर ही घुसा लेता हूँ। वेल तो भाई थोड़ा चाय वगैरह पी रहा हूँ, सबको पैसे दे रहे हैं। चाय भी गर्म है यार, गर्म का माहौल है एकदम, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसे मैं टोपी लगा लिया भाई। तो भाई अपडेट ये है कि फिलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं पुलिस का, क्योंकि स्कॉट जो होती है पुलिस हमें भाई यहाँ से लेकर जाएगी। यहाँ के बाद आप अकेले नहीं जा सकते, आपको पुलिस चाहिए होगा। इसलिए भाई आप डेनिकल डिप्रेशन खुद पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भाई जिस तरह हम लोग जाने वाले हैं वो इसलिए कहते हैं मोस्ट अनहॉस्पिटेबल प्लेस, इसके वजह से भाई वहाँ पे सबके पास गन है। हालांकि भाई अफार रीजन में सबके पास गन है, तो यहाँ पे टूरिस्ट को सावधानी के लिए बनाया गया है कि आप पुलिस के साथ जाएं, पुलिस आपको साथ जाएंगे और पुलिस के साथ भी गन रहेगी। भाई वो बंदे गन तो चलाएंगे नहीं आपके ऊपर, मतलब जनरली गोली चलाएंगे नहीं, बट फिर भी भाई सावधानी के लिए हमें पुलिस को लेकर जाना पड़ रहा है। सिट हियर, आई एम ड्रिंकिंग इन दैट कैफे कॉफी, वेरी गुड कॉफी। ओके भाई साहब कॉफी ऑफर कर रहे हैं, जाओ कॉफी पी लेते हैं। बहुत गर्मी है यार, अभी हालत खराब हो गई भाई। और भाई हम लोग पता है अभी ऑलरेडी -100 meters है सी लेवल से, अभी भाई -200 तक जाएंगे हम लोग, लेकिन ऑलरेडी हम लोग सी लेवल से ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है चलते हैं, अब पुलिस का वेट कर रहे हैं हम लोग। फिलहाल अभी पुलिस जैसे ही आएगी फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। डू यू गाइस स्पीक हिंदी? नो हिंदी हिंदी हेलो हाउ आर यू ब्लैक एंड येलो बुन्ना ये मुझे बुन्ना दे रही है, मतलब कॉफी दे रही है। ये कुछ कॉफी वाला हिसाब किताब नहीं, मुझे आप कॉफी पी के जाओ तो कॉफी पी लेता हूँ बुन्ना। और भाई यहाँ पे बेच रहे हैं खत, खत मतलब लोकल ड्रग, खत बोलते भाई, चत है, मैं खत बोल रहा हूँ, चत है। हमेशा गिना नो भाई साहब यहाँ पर आया, कॉफ़ी वगैरह हम लोगों ने पिया एकदम। मैंने उन्होंने कहा कॉफ़ी आके पियो, मैं आ गया पीने के लिए। ये भाई साहब आके फोटो खिंचवाया थोड़ा बड़े मेरे साथ, फिर मैं पैसे दे रहा हूँ बोलती पैसे नहीं लेंगे। आ जाओ पी लो अंकल, पी लो बुन्ना, पी लो बुन्ना, पैसा नो टेक सम प्लीज, नो दे नहीं रही पैसे, कोई बात नहीं प्लीज प्लीज। टू बुन्ना, अरे मी वन बुन्ना, टू बुन्ना, टू बुन्ना बुन्ना। तो भाई साहब एक मूत्र विसर्जन का ब्रेक लिया गया है, अभी कुछ ऐसे रास्ते से निकल रहे हैं भाई। हमारे ऊपर सिर्फ तेल है, पेट्रोल लेके चल रहे हैं भाई साहब, इतना सारे पेट्रोल, ये इस तरह की कुछ कार है भाई हमारी। चलिए यहाँ पे अभी हम लोग 5 कार से जा रहे हैं टोटल, भाई 9 कार है, 9 कार में हम लोग 21 लोग हैं और प्लस 4-5 क्रू मेंबर, जो क्रू मेंबर का मतलब कि वो कुछ खाना बनाने वाले लोग हैं, कुछ टेंट वगैरह लाने वाले लोग हैं, तो मतलब हैं बहुत सारे लोग हैं जा रहे हैं हम लोग, एक्चुअली मान लो 25-28 लोग हम लोग जा रहे हैं एक साथ। तो भाई ये जो है जो पूरा जो एरिया देख रहे हो फिलहाल अभी, ये भाई सब लावा है, ये सब जो देख रहे हो लावा का ही पार्ट है कि भाई लावा है देखो, इसलिए बहुत हल्का होता है जो लावा जो होता है भाई, काफ़ी हल्का होता है, ये काफ़ी हल्का है भाई लावा। यहाँ पे भाई वोल्केनो आपको दिख रहे होंगे, एक उधर है, एक उधर है, एक भाई उधर भी है। तो भाई जो वोल्केनो जो एक्टिव नहीं है फिलहाल, बट ये सारे वोल्केनोस हैं। तो भाई रास्ते में हम लोग जा रहे थे तो एक बच्ची ने पता नहीं क्या मन में आया, उसने एकदम जो पत्थर फेंके मारी एकदम गाड़ी में, टन से आवाज़ आया, फिर ड्राइवर साहब ने रोका कुछ उसको डांटा। उसके बाद एक और बार बात की, यहाँ पे सब लोगों के जितने भी लोगों के पास भाई सबके पास गन है भाई। ये पत्थर कितनी भारी दिख रही होगी, बट बहुत हल्का है भाई, बहुत हल्का पत्थर है भाई, ये वाला भी सारा लावा का पार्ट है भाई, देख लो कितना अंदर से खोखला है ये भाई। ये सब आए एकदम लाठी लेके, लाठी दिखाना भाई अपनी, फॉर व्हाट, खतरनाक लाठी भाई इनकी, गन नहीं इनके पास लेकिन ना, वेयर इज योर AK-47 AK-47 दू नो डुल्ला डुल्ला घर पे होगा, फिर घर पे हाउ आर यू गुड सही भाई लोग वाटर नो यू वांट वाटर यू वांट ओके इसको पानी दे देते हैं, यही देता हूँ इधर जाकर फुल। अरे यार देखो कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद में मंदिर जाने का क्या फायदा। वेलकम 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 भाई, इनके पास पानी नहीं है, पानी तो कहते पीने दो यार, तुम मैं मना कब कर रहा हूँ, मना कर रहे हो पानी पीने के लिए यार, छोटे वाला दे दे वहाँ पे आगे देखो आधा खत्म कर दिया, एक बार बताओ है दो
प्यास लगाए बेचारे को यार, पीने तो पानी तो पीने दो बेचारे को। मैंने इसकी जीभ पकड़ी है क्या? तुम बोल रहे पानी मत दो, पानी मत दो। मैं कह रहा हूँ भाई वो जो वाला जिसे जो ऑलरेडी अपन ने ओपन किया हुआ है। अच्छा अच्छा, नहीं नया चाहिए था, तो क्या करूँ भाई, उसमें इससे ज्यादा पानी था, इसके भी लालच थोड़ी नहीं है। हम पहले शुभम बोला वो दूसरे बड़े वाली बोतल में ना, इस छोटे वाली बोतल से ज्यादा पानी था। बड़ा वाला भर के दिया था मैंने, वो भरे ही पड़ी थे लगभग, लेकिन इस बंदे को लालच थी कि भाई इस नई बोतल में ज्यादा पानी होगा। भाई बहुत गर्मी हो रखी है यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है। यू फील नो हॉट, नो हॉट, हॉट नो हॉट नो। सलाम वालेकुम कर रहे हैं, समझ ही नहीं सारा क्या बोल रहा है ना। अच्छा हाँ, इसी तरह लोग करते हैं गन के साथ, इसी तरह करते हैं गन के साथ। क्या होता है कि हाथ रेस्ट होते ना, मजे आते हैं। चल देना, मैं भी करके देखूं। ये तो हो गया था, जीसस क्राइस्ट। ये बात ये ओके ओके हाँ बात कितने, अरे भाई इनके हाथ भरे देखो कितने हैं। ये देखिए भाई, हम स्ट्रेट लिख के लो सही भाई, लाठी भी सही है। सांप मारने के लिए क्या भाई? यो जमाल जमाल मारो, जमाल 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 ना, लाठी से मारो। वेल भाई सब तक ब्रेक लिया गया है, दूसरा पी ब्रेक ऑन द वे टू डैनकिल डिप्रेशन। भाई हम लोग अभी जाने वाले लावा के पास, और ये सब जो देख रहे हो भाई सब लावा ही, एक्चुअली लावा का पार्ट है। बट बहुत सारे वोल्केनोज भाई हैं, लेकिन एक्टिव मिसर पे यहाँ पे एक ही एक्टिव वोल्केनो है, और वो भी भाई लैंडस्लाइड के कारण आपको दिखेगा नहीं, उसमें मड जम गया भाई। तो जो है यही है भाई, अभी ये है भाई दुनिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस। और भाई जो अभी एलिवेशन है हमारा वो है अराउंड -100 के आसपास, -100 मीटर बिलो द सी लेवल। एक गाड़ी, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात गाड़ी भाई यहाँ पर फिलहाल है। सब चल रहे हैं भाई मज़े में, सही लग रहा है भाई, ट्रिप काफी शानदार चल रहा है। ये जो भाई हमारे जो ड्राइवर साहब एकदम पूरा एक्सपीरियंस है, एकदम गाड़ी एकदम मतलब लपेटे जा रहे हैं, एकदम भगा रहे हैं गाड़ी भाई, एकदम मजे आ रहे हैं। एक्चुअली भाई कुछ भाई सैंडविच देखने को मिल गया एक्चुअली, एकदम क्या क्या रास्ते में दिखेगा भाई। वहाँ पे गाड़ी फंस गई भाई सैंडविच में, मेरे सामने जो गाड़ी को गाड़ी फंस चुकी है, तो सब हेल्प कर रहे हैं, इसलिए भाई साथ गाड़ी ले जाने का फायदा होता है। अगर कोई गाड़ी फंस गई तो दूसरी गाड़ी से इसको हेल्प हो जाएगी। काफ़ी सही हवा चल रही है भाई, अभी गर्मी नहीं लग रही, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही भाई। ऑलमोस्ट भाई पहुँच चुके हैं यहाँ से, 2 किलोमीटर के बाद आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया की सबसे गर्म जगह। ये देखो भाई एकदम इस तरह का, जिस रेगिस्तान ही होता है उसी रेगिस्तान टाइप का ये पूरा एकदम हाल है। और भाई मैं मैप में देख रहा था, हम लोग इरिट्रिया बॉर्डर सिर्फ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर हैं, मतलब पास है भाई एकदम इरिट्रिया बॉर्डर के। तब चल रहा है हिसाब किताब भाई, ये हमारा हिसाब किताब है। ये गाड़ी फंस गई क्या? ये अगली गाड़ी फंस गई है, ये भाई हमारी गाड़ी। हेलो क्या हाल है? कुछ कुछ बच्चे भाई, भाई बच्चे तो हर जगह जाते हैं एकदम पैसे मांगने के लिए। पिछले आधे घंटे से यहाँ पर हैं, अभी गाइड भाई साहब जो सोलोमन भाई साहब हैं हमें कुछ कुछ बता रहे थे कि यहाँ के बारे में। सबसे पहली बात जो भाई ये है सॉल्ट लेक, और भाई अरामिक लैंग्वेज से कहते हैं असार लेक, क्योंकि असार का मतलब होता है सॉल्ट, उसका मतलब भाई सॉल्ट लेक है। कुछ भाई ऐसा भी नज़ारा दिख रहा है, अगर आप दिखाया जाए तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है यहाँ पर।
ऑलरेडी जैसा सेट हो चुका है भाई, पानी भाई नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि कितना दूर पानी है, तो उन्होंने कहा कि आपके घुटने तक भी पानी नहीं आएगा। तो ये मतलब कुछ डेड सी की तरह इंडिकेट भाई, डेड सी में काफ़ी ज़्यादा नीचे पानी है। दूसरी बात भाई कि ये जो उन्होंने बताया कि ये जो लेक है भाई, इस लेक के नीचे ये जो सॉल्ट दिख रहा है आपको, ये भाई पूरा सॉल्ट है। अगर आपको दिखाऊं तो ये सिर्फ सॉल्ट है बेसिकली। मैंने इसको सॉल्ट को ट्राई करके देखा, बेसिकली सॉल्ट है भाई, सॉल्ट की तरह टेस्ट करता है भाई एकदम। ये सॉल्ट उन्होंने कहा कि भाई 100 मीटर डीप 100 मीटर भाई 100 मीटर बहुत होता है भाई, अंदाजा लगाओ तो कम से कम 4-5 तल्ला, जो 5 तल्ले मकान होती है भाई, उतना नीचे भाई इसके नीचे सिर्फ सॉल्ट है। और ये भाई काफ़ी बड़े एरिया में फैला गया है। इसे कहते हैं भाई डनकल डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है भाई क्या, लोअर पॉइंट। तो भाई हम लोग अभी -120 में हैं और हम लोग आई थिंक -140 तक जाएंगे। लेकिन जो दुनिया का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो डेड सी में है, इसलिए भी भाई वहाँ का जो भी पानी है वो भी काफ़ी सॉल्टी है। तो सॉल्ट एंड मुझे लगता है कि लोएस्ट पॉइंट होता है, इसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। और दूसरी बात भाई, ये लोग यहाँ पर भी आए थे और यहाँ पर उन्होंने खाना पीना बनाया था भाई, खाना पीना वाइन वगैरह हमारा चला था वाइन। ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे भाई, ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है। मैं बिना चप्पल भी घूम रहा हूँ और भाई काइंड ऑफ फ्लैट ही है मैं एकदम भाई। आपने अगर आपने देखा होगा कच्छ, रन ऑफ कच्छ या तो फिर बोलिविया का जो है वो वाला सेलार दे कुछ करके है, उसी तरह कोई कुछ दिखता है, बट अफ्रीका का ही है भाई, काफ़ी खूबसूरत है। आज की ठंडी आई थिंक ज़्यादा यहीं तक रहेगी। अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं कैंप साइट में, जाके कैंप साइट में सोएंगे। एंड लेकिन जो भी भाई सनसेट नहीं हुआ आज, हमारा लक थोड़ा सा ख़राब रहेगा कि आपका लक थोड़ा ख़राब है आज, बादल ऐसे सनसेट नहीं देख पाए, वरना सनसेट हम देखते हैं यहाँ से और काफ़ी सही है भाई, मतलब रियली वर्थ इट। और भाई अब मैं सोलोमान भाई का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इसका टूर बुक करना चाहते हो तो आप बुक कर सकते हैं। वेल तो गाइस फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अभी सॉल्ट माइनिंग के प्लेस पे, क्योंकि भाई यहाँ पे सॉल्ट माइनिंग रात को होती है, दिन का नहीं होने का जो रीज़न है भाई कि अगर दिन को करेंगे तो इतनी गर्मी होती है यहाँ पे कि भाई सॉल्ट माइनिंग नहीं हो पाएगी। और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है भाई, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। ये कुछ ऐसी होती है भाई सॉल्ट माइनिंग यहाँ पर, जरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ कुछ लाइट टॉर्च लगा के लोग बात वगैरह कर रहे हैं। ये देखो भाई सॉल्ट इस तरह माइनिंग करते हैं भाई, ये काफ़ी ओल्ड ट्रेडिशनल वे है कि जो भाई ये जो टीले बने हुए हैं इसको तोड़ते हैं पत्थर से, कुछ ऐसा हिसाब किताब है भाई। यहाँ पर सब लोग भाई लाइट लगा के वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं यहाँ पर, और इस तरह के बड़े बड़े भाई टीले बनाए जाते हैं। जरा देखो ये भाई सब काम कर रहे हैं। तो भाई 3 प्रोसेस है इसका। पहला प्रोसेस भाई कि वो जो दिख रहे हो भाई साहब आप वहाँ पे सामने वाले जो भाई साहब हैं, ये इनको तोड़ते हैं भाई पहले, ठीक है, इस तरह से बांस से तोड़ते हैं पहले इनको ये। इसके बाद ये भाई साहब कुल्हाड़ी से इसको इस तरह काट रहे हैं, और ये भाई साहब इसकी काइंड ऑफ सिल्लियाँ बना रहे हैं। अगर आप देखो ये भाई साहब सिल्लियाँ बना रहे हैं इस तरह की, काइंड ऑफ रेक्टेंगल शेप का सिल्ली बन रहा है ये। तो 3 प्रोसेस में भाई ये पूरा सारा काम होता है। सही है भाई, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। ये काम भाई रात को करते हैं क्योंकि दिन को जो है गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाती है, तो भाई दिन को काम करना मुश्किल होगा यहाँ पे, इसलिए सब सारा काम रात को करते हैं, दिन को नहीं। हाउ आर यू डूइंग? बंदा डर गया। ये भाई जो है देख रहे हो आप, इस तरह बांस से इस तरह निकाल रहे हैं भाई, और ये भाई साहब थोड़ा आइडेंटिफाई करके इस कुल्हाड़ी से देखो भाई काट रहे हैं। ये कुल्हाड़ी से भाई साहब काटते हैं, कुल्हाड़ी कुछ इस तरफ की बनी हुई है, छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं भाई। ये पहले बड़ा बड़ा टुकड़े कर दे रहे हैं इस बांस की मदद से, इसको उखाड़ दे रहे हैं, फिर भाई ये जो कुल्हाड़ी की वजह से छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, और उधर जो भाई साहब हैं वो उसको एक रेक्टेंगल का शेप दे रहे हैं। तो ये भाई 3 प्रोसेस बनता है, ईट का टाइप का शेप हो जाएगा भाई, और ईट को यहाँ से ट्रक में ले जाएंगे भाई। और ये अगर आप देख पा रहे होगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है भाई ये, और ये सारा काम भाई मैनुअल होता है, कोई मशीन वर्क नहीं है, सारा मजदूर है भाई, सारा लेबर है। आप देख पा रहे हो किस तरह कुल्हाड़ी से भाई सब काट रहे हैं भाई। ये सारा जो पार्ट है ये सब ऑलरेडी हो चुका है, अगर आप देख पा रहे हो कैसे उन्होंने काट वगैरह दिया, जो बच्चा उन्होंने यहाँ से रख लिया है, सारा पार्ट ऑलरेडी डन कर रखा है। उधर जितना भी देख पा रहे हो सब डन हो रखा है, इस तरफ अभी डन नहीं हुआ है, और इस तरह काटे जा रहे हैं इधर करके। सब बच्चे हैं भाई यहाँ पर देखने, पता नहीं ये लोग दिस गाइस कम टू सी अस और व्हाट, दिस गाइस कम टू सी अस और दे आल्सो डू वर्क, दे आल्सो डू वर्क लेटर द किड्स। भाई मैंने पूछा भाई उनसे कि ये बच्चे किस लिए हैं भाई, तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो यहाँ पर हैं ये एक्चुअली ट्रक पे लादने के लिए हैं, तो ये सब जो बड़े लोग हैं ये काट रहे हैं, सेप वगैरह बना रहे हैं, पूरा सब कुछ इधर हो रखा है, लेकिन बच्चे जो हैं वो उसको रात को ट्रक में ढोएंगे। भाई यहाँ बच्चे भी काम करते हैं, मतलब भाई बच्चे मतलब 7-8 साल के होंगे, और ये रात भर इनका काम चलते रहता है, मेहनत करके भाई पैसा कमाते हैं यहाँ पे। चलो भाई ये हमारा लास्ट दिन था कुछ कुछ यहाँ पे देखने के लिए। आई थिंक यही हमारी कार है शायद, अगर मैं गलत नहीं हो तो, नहीं हमारी कार नहीं है अभी, ये वाली हमारी कार है। चलो जाके देखा जाए अपने कार पर, जा सब तैयार है जाने के लिए, हम भी तैयार होते हैं। हाउ वाज द एक्सपीरियंस?
क्या बोलो, कैसा लगा? नॉर्मल था। हाँ अच्छा था। टेनिस बॉल है भाई, नेक्स्ट लेवल है, ऐसी चीज़ जगह मैंने देखी ही नहीं होगी। देखा किस तरह मजदूरी कर रहे थे बेचारे बच्चे बच्चे जो हैं वो रात को ढोके लेके जाएंगे जो इन्होंने ईंट बना रखी है। भाई अपने इधर भी होता है ये इधर, ऐसा क्या फैसिनेटिंग लगा? बच्चे काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर। भाई यहाँ बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, चाइल्ड लेबर के कारण उनको अगर पैसा मिल पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हर देश को इस स्थिति से गुजरना पड़ता है, पहले पेट में खाना होगा ना, उसके बाद चाइल्ड लेबर वाली बात आएगी। अच्छा ये बात है, मेरे हिसाब से यही है यार, इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा ताकि इनके आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं ना वो अच्छे से कर सके, अच्छे से जिंदगी जी सके। हाँ अपने मम्मी पापा ने भी तो चाइल्ड लेबर टाइप की चीज़ें की होंगी। राइट राइट, चलो। वेल तो भाई हम लोग फिलहाल अपने कैंपिंग लोकेशन फिलहाल पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कैंपिंग लोकेशन जहाँ रात को हम लोग सोने वाले हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है भाई यहाँ पे, हिसाब किताब ऐसा है। ये खटिया है भाई, खटिया पे हम लोग सोने वाले हैं। लेकिन भाई चलो सबसे पहले जाके खाते खाना पीना। यहाँ पर भाई ये खाना पीने का कुछ ऐसा हिसाब किताब, छोटा सा भाई ऐसा कुछ बना हुआ है अगर आप देख पाओ, छोटा सा भाई सिर्फ ऐसे इस तरफ और इस तरफ बना हुआ है। चलो भाई वहाँ पे सारे लोग हैं तो कैमरा निकाल के उनके साथ वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, तो जाके हम वहाँ पे खाना पीना खाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। खाना कैसा है? ये डिनर नहीं है भाई, ये तो सूप है बस। डिनर क्या होगा फिर? ये भाई सिर्फ ये सूप है, बट थोड़ा मेन खाना भी आने वाला है। तो गाइज हम लोगों ने खाना पीना एकदम खा लिया भाई। खाना पीना में था चावल दाल, उसके अलावा भाई पास्ता भी था भाई, पास्ता के अलावा भाई कुछ हमारे पास पकोड़े भी थे और सूप, वही काफ़ी बड़ा खाना भाई। इथियोपिया में मतलब मैंने इससे बेस्ट खाना कभी नहीं खाया था। तो भाई वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे, मुझे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाई। अब भाई खाना पीना खाने के बाद अब सोने का समय आ गया, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, आई होप माइक मैंने इसलिए लगा रखा है। भाई इतनी तेज़ हवा चल रही है और बारी बूंदाबांदी हो रही है कि भाई मुझे दुनिया की सबसे गर्म जगह में भाई जैकेट पहनना पड़ रहा है। आप देख रहे हो मुझे दुनिया की सबसे गर्म जैकेट पहनना पड़ रहा है। कुछ ऐसा हिसाब किताब है भाई जहाँ हम लोग आज रात को सोने वाले हैं। ये कुछ हमारा भाई बेड है, देख सकते हो, ये दीपांशु भाई का बेड है और ये मेरा बेड है। खटिया भाई हम लोग प्रॉपर खटिया पे सो रहे हैं। बाकी साफ बात आपको भाई अगली वीडियो में बताएंगे सुबह सुबह। भाई एक्चुअली क्या हुआ ना कि हम लोगों को ना जो जगह मिली जहाँ पे सोने के लिए वो भाई एकदम पूरा खाली था और पूरा हवा चल रही थी और सब कुछ उड़ रहा था। फिर तो हम लोगों ने कहा कि क्या हम लोग कार के पीछे सो जाए, उन्होंने कहा हाँ सो जाओ कार के पीछे। तो भाई हम लोग अभी कार के पीछे सो रहे हैं तो बेटर है भाई, हवा थोड़ी कम चल रही है। ये यहाँ पे देखो इतनी उड़ रही है कि भाई पत्थर रखना पड़ रहा है और हमें ब्लैंकेट भी देंगे भाई साहब वो। ये कुछ ऐसा हिसाब किताब है भाई। खटिया भी ना वो टूटी फूटी पूरी बहुत हिल रहा है भाई एकदम। ये देखो भाई बाकी आपको सब सुबह दिखाऊंगा अच्छे से। एक बात और भाई कि यहाँ पर मैंने पूछा कि जो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे उसको कितने पैसे मिलते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई 30 जो बिल है उसका एक ब्लॉक मिलता है। उन्होंने कहा दिन का कितने कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा 400 ब्लॉक कर लेते होंगे, तो भाई 12,000 बिल पूरे इकट्ठे मिलकर रात भर में कमाते हैं। 12,000 बिल मतलब इंडियन रुपीज़ में भाई आओगे 8,000 रुपये, तो 7,000 रुपये मतलब कम से कम 15 लोग तो होंगे, 15 लोग जो ढोते हैं तो मतलब 7,000 रुपये 15 लोग मिलकर कमाते हैं एक रात में, तो पड़ी 500 रुपये पड़ा पर नाइट। नॉट बैड भाई, अच्छा 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 है, क्योंकि भाई तो मजदूरी हुई और मजदूरी में भाई हमारे बिहार में भाई 500 रुपये भी नहीं मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही डील है भाई। फिलहाल के लिए ऐसे ही है, यही आपको अपडेट देना था। खाना पीना सब मस्त था, काफ़ी सही चल रहा है भाई हमारा अभी तक का टूर एकदम थिंग्स। दीपांशु भाई अभी कहे गए हैं उनको जुगाड़ लगाना है भाई यहाँ पे हगने का, क्योंकि यहाँ पे भाई हगने के लिए क्या है कि आपको नेचर में करना पड़ेगा एकदम। मुझे गांव की याद आ गई भाई कि आपको सब कुछ नेचर में ही करना पड़ेगा, नेचर में ही सो रहे हो आप, नेचर में ही आप सब निकाल रहे हो, तो यही है। यहाँ पे कोई टॉयलेट बाथरूम नहीं है, खाना पीना भाई मिल गया वही बड़ी बात थी। चलिए गुड नाइट भाई, मेरा इंस्टाग्राम है नोमैड्स, अगर फॉलो नहीं तो फॉलो कर लेना। दीपांशु भाई का इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब नोमैडिक इंडियन ही है, आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी दोनों मिल जाएगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। लाइट देख के मेरा अब आँच चंद्री आ गया, बाय बाय, दस बिताने।